नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमीन का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाइजोनियम लवण की विचरण विधियां क्या होती हैं, जिसके बाद हम इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डाइजोनियम लवण के परिचय के बारे में देखा था, जिसके बाद हम जानते हैं कि डाइजोनियम लवणों का सामान्य सूत्र R N2 धनात्मक तथा X ऋणात्मक होता है। दोस्तों, यहाँ पर R एक एराइल समूह होता है तथा X आयन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि में से कोई भी हो सकता है। दोस्तों, इनका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम में डाइजोनियम अनुलग्न लगाने के पश्चात ऋण आयन का नाम, जैसे कि क्लोराइड, हाइड्रोजन, सल्फेट इत्यादि लिखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि N2 धनात्मक समूह को डाइजोनियम समूह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर इस यौगिक का नाम होगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड तथा इस यौगिक का नाम होगा बेंजीन डाइएज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। दोस्तों, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन एल्काइल डाइएज़ोनियम लवण बनाते हैं, जो कि अति अस्थाई होते हैं। दोस्तों, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एरीन डाइएज़ोनियम लवण बनाते हैं, जो विलयन में निम्न ताप पर 273 और 278 केल्विन अल्प समय के लिए स्थायी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डाइजोनियम लवणों की विचरण विधियां क्या होती हैं। दोस्तों, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को एनिलीन अथवा नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है, जो कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। दोस्तों, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डाइएज़ोनियम में परिवर्तन को हम डाइएज़ोकरण कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइजोनियम लवणों के भौतिक गुण क्या होते हैं। दोस्तों, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यह जल में विलेय होते हैं अथवा ठंडे व स्थायी होते हैं, परंतु ये गर्म करने पर जल से अभिक्रिया करके ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाते हैं। दोस्तों, बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरेट जल में अविलेय होते हैं तथा ये कक्ष ताप पर स्थायी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइजोनियम लवणों की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों, डाइजोनियम लवणों को दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में बांटा जाता है, जिसमें पहला है नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तथा दूसरा है अभिक्रियाएं जिनमें डाइएज़ो समूह सुरक्षित रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें सबसे पहला है हैलाइड अथवा साइनाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, जिसे हम सैनमायर अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों, इस क्रिया में क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन बनती है। इस क्रिया में उत्प्रेरक क्यूप्रस लवण काम में आते हैं। इसमें उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है, अतः इस अभिक्रिया को हम सैनमायर अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है गैटरमैन अभिक्रिया। दोस्तों, गैटरमैन अभिक्रिया में भी क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन बनते हैं, लेकिन इसमें जो उत्पाद की मात्रा होती है वे कम होती है और इसके उत्प्रेरक ताम्र चूर्ण काम में लाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, गैटरमैन अभिक्रिया की तुलना में सैंडमायर अभिक्रिया की लब्धि अधिक होती है।
दूसरा है आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। दोस्तों, जब डायज़ोनियम लवण के विलयन की अभिक्रिया पोटाशियम आयोडाइड से हम कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बनते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है क्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। दोस्तों, जब एरिन डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरो बोरिक अम्ल से कराई जाती है तो एरिन डायज़ोनियम क्लोरोबोरेट बनते हैं, जो कि गर्म करने पर विघटित होकर एराइल क्लोराइड देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। फॉस्फिनिक अम्ल अथवा एथेनॉल जैसे दुर्बल अपचयन क्रमक डायज़ोनियम लवणों को एरिनों में अपचयित कर देते हैं और स्वयं फॉस्फोरस अम्ल अथवा एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अगला है हाइड्रोक्सिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन। दोस्तों, डायज़ोनियम लवण विलयन का ताप 283 केल्विन तक बढ़ाने दिया जाए तो लवण जल अपघटित होकर फिनॉल देते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अगला है NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। दोस्तों, जब डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट को कॉपर की उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है तो डायज़ोनियम समूह NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है अभिक्रियाएं जिसमें डायज़ोनियम समूह सुरक्षित रहता है, जो कि है युग्मन अभिक्रियाएं। दोस्तों, युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त एजो उत्पादों में दोनों एरोमेटिक वलयों एवं जोड़ने वाले NN आबंध के बीच विस्तारित सुगम्य होता है। ये यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं तथा रंजकों की तरह प्रयोग में आते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल से अभिक्रिया करके पैरा स्थान पर युग्मित होकर पैरा हाइड्रोक्सी एंजो बेंजीन बनाते हैं। इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से दर्शाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायज़ोनियम लवणों का महत्व क्या होता है। दोस्तों, डायज़ोनियम लवण से साइनोबेंजीन को सरलता से बनाया जा सकता है। डायज़ो समूह को अन्य समूहों द्वारा प्रतिस्थापन ऐसे एरोमेटिक प्रतिस्थापन यौगिकों को बनाने में सहायक होता है जो सीधे बेंजीन अथवा प्रतिस्थापित बेंजीन से नहीं बनते हैं। डायज़ोनियम लवण की फिनॉल अथवा एराइल अमीन के साथ युग्मन अभिक्रिया से एंजो रंजक प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डायज़ोनियम लवण की विचरण विधियों के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने डायज़ोनियम लवण के कुछ रासायनिक गतिविधियों के बारे में देखा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।